भाजपा के नेता जय भगवान गोयल इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया था जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना नरेंद्र मोदी से की थी, जिसके चलते महल गांधी गेट चौक पर कांग्रेस युवा की ओर से धरना आंदोलन किया गया। आए दिन भारत में कुछ ऐसे मुद्दे किए जा रहे हैं जिससे नागरिकों में रोष व्याप्त है। भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली नेता जय भगवान गोयल इन्होंने एक पुस्तक विमोचन के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना नरेंद्र मोदी से की है। इस बात को लेकर शहर में काफी बवाल खड़ा हो चुका है। इतने बड़े राज्य के महापुरुषों की तुलना नरेंद्र मोदी से किए जाने से खफा युवा कांग्रेसियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जय का नारा देते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले को माल्यार्पण किया। कुछ कार्यकर्ता राहुल गांधी के चेहरे का मास्क लगाकर भाजपा का तीव्र विरोध कर रहे थे। इस बारे में युवक कांग्रेस अध्यक्ष अक्षय घाटोले इन्होंने इन बीसीएन समक्ष जानकारी दी। जो छत्रपति शिवाजी महाराज को हमारे जो नेता है सम्माननीय राहुल जी गांधी, इनकी ओर से हम जो है युवक कांग्रेस के पदाधिकारी जो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जो है नरेंद्र मोदी ने खुद की जो तुलना की है उसके विरोध में, वो निंदनीय है, उसका हम विरोध करते हुए हमारे को ये छत्रपति शिवाजी महाराज के इसमें हमारे को राजकारण नहीं करना है। और हम युवक कांग्रेस के माध्यम से हमारे नेता राहुल जी गांधी, इनके ओर से हम खुद राहुल जी बनके छत्रपति शिवाजी महाराज को यहाँ पे हमने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है कि नरेंद्र मोदी ने जो खुद की तुलना शिवाजी महाराज से की है वो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है हमारे आराध्य दैवत है, पूरे हिंदुस्तान के आराध्य दैवत है, जिन्होंने अलग अलग जाति पंथी के सभी लोगों को सभी धर्मों को एक साथ ला के पूरा महाराष्ट्र और पूरे देश में एक संदेश दिया है। और छत्रपति शिवाजी महाराज ये पूरे हिंदुस्तान के आराध्य दैवत है। हमारा इतना ही बोलना है कि हमारे को ये छत्रपति शिवाजी महाराज के ये इसमें हमारे को राजकारण नहीं करना। हम युवक कांग्रेस के साथी पूरे नागपुर शहर के युवक कांग्रेस के साथी हमारा इतना ही कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का इसके बाद अगर अपमान हुआ तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज का इस तरीके से अपमान नहीं होना चाहिए, बस इतनी हमारी मांगनी है और हम इसका निषेध करते हैं। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नेता जय भगवान गोयल इन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया जिस पुस्तक में शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना मोदी के साथ में की। ये बात जब मालूम हुई तो एक जंगल में आग के तरह ये बात पूरे भारतवर्ष में फैल गई, जिसके चलते नागपुर में यूथ कांग्रेस के कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी पुतले के पास में धरना आंदोलन किया। और जय भगवान गोयल इन्होंने जिस पुस्तक के जो विमोचन किया उसके अंदर जो जिस बात का जिक्र उन्होंने किया कि नरेंद्र मोदी की तुलना छत्रपति शिवाजी महाराज से की है, वो पूरी तरह से गलत है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ये महाराष्ट्र के साथ पूरे हिंदुस्तान का एक ऐसा दैवत है, एक ऐसी बड़ी शख्सियत है कि जिसकी तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। मगर अफसोस के आए दिन इस प्रकार के राजनीतिक गलियारों में ऐसे कुछ राजनेता है जो इस प्रकार की बातें करते रहते हैं, जिसके चलते में फिर ये बवंडर होता है और इस प्रकार के धरना आंदोलन होते हैं। सीख इसी में है कि जो राजनेता है वो पुस्तक का विमोचन जरूर करे, अच्छी अच्छी बातें करे, मगर पुस्तक में ऐसा कोई भी कॉन्ट्रोवर्सी न हो कि जिसके चलते पुस्तक के जरिए आपस में मन मुटाव हो, खटास पड़े, ऐसा कोई भी काम किसी ने भी नहीं करना चाहिए, यही समय की मांग है। नागपुर के छत्रपति शिवाजी चौक से कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरा, एनबीसी न्यूज़ नागपुर। महाराज की जय, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी।